गाइस आज के स्टडी में आपको ऑयली स्किन के लिए कुछ क्रीम बताने वाला हूँ जो कि आपके चेहरे को कुछ ही दिनों के अंदर गोरा करेगी, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। गाइस अगर आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है या आपकी स्किन के ऊपर किसी भी क्रीम से पिंपल्स आ जाते हैं ना, तो आप इस क्रीम को बिल्कुल इसमें ले सकते हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके प्लीज़ एंड तक देखें। गाइस इस क्रीम का नाम है गोरी डे नाइट व्हाइटनिंग क्रीम। गाइस ये जो क्रीम ना ऑयली और सेंसिटिव स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस क्रीम को इसमें लेते हो अपने चेहरे को गोरा करने के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए, तो बिल्कुल उसमें ले सकते हो। गाइस इस क्रीम में ना सारे हर्बल इंग्रेडिएंट डाले जो कि आपके स्किन के लिए सेफ है, जैसे कि लाइकोपेन हो गया, अर्बुडिन हो गया, ग्लिसरीन हो गया, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी12 जो कि आपके स्किन को फेयर करता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। बट काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि गोरी क्रीम में मलकरी है, गोरी क्रीम में स्टोराइड है, लेकिन यार ऐसा नहीं। जो ओरिजिनल जो गोरी क्रीम होती है ना आपके चेहरे के लिए बिल्कुल सेफ है, लेकिन जो लोग इस क्रीम को मार्केट से अमेजोन से मीशो से बाय करते हैं उस क्रीम में केमिकल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इस क्रीम में कितने टाइप की क्रीम आती है और कितनी नहीं, और इसमें ज़्यादातर भी डुप्लीकेट क्रीम आ रही जो कि आपके स्किन के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। और ये आपको 30 ग्राम का जो पे आके आपको 280 रुपये के आसपास मिल जाएगा जो कि ठीक ठाक है। कैसे अगर आप ओरिजिनल गोरी क्रीम को बाय करना चाहते हो ना, तो मैंने आपको कंपनी के ऑफिस सेलर का नंबर दे दिया है, वहाँ से आप इस क्रीम को 100% ओरिजिनल बाय कर सकते हो, ठीक है। और गाइस आपको इस क्रीम को ओनली नाइट में यूज में लेना है, किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपने स्किन को वॉश करना है और उसके बाद आपको इस क्रीम को अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं कि सर गोरी डे नाइट जो क्रीम है इसको हम दिन में भी यूज़ में ले सकते हैं नहीं। हाँ गाइस अगर आप इसको डे में यूज़ में लेना चाहते हो ना तो बिल्कुल उसमें ले सकते हो, लेकिन आप घर में रहते हो उसी टाइम इसको डे में यूज़ में लीजिए। अगर आप बाहर जाते हो धूप में जाते हो ना तो आप उस टाइम इस क्रीम को बिल्कुल ट्राई ना करें। आप धूप में जाते हो तो आप अपने स्किन के ऊपर कोई अच्छी कंपनी की सनस्क्रीन यूज़ में लीजिए ताकि आपकी जो स्किन है धूप के कारण डैमेज ना हो और आपको इस क्रीम से बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। अगर आप अपने चेहरे को गोरा करना चाहते हो या आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप इस क्रीम को बिल्कुल उसमें ले सकते हो। और इस क्रीम की जो डिलीवरी है ना ऑल इंडिया में अवेलेबल है, मतलब कि आप इंडिया से कैसे भी हो ना तो भी आप इस क्रीम को ऑर्डर कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ओके बाय।